हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिन के बाद आप सबसे मुलाकात हुई है ड्यू टू सम रीजंस। हम सब पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसी को हम सब कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए। तो उसी का आज हम सब पार्ट 6 पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम सब पढ़ेंगे जो है रेखा का समीकरण। हम सब पढ़ रहे थे ना, वो वेरियस फॉर्म में होता है। रेखा का समीकरण जो होता है वो डिफरेंट फॉर्म में होता है। तो आज हम सब उसी को पढ़ते हैं। तो आज हम सब पढ़ते हैं लंब रूप में रेखा का समीकरण। लंब रूप में रेखा का समीकरण, ठीक। तो अपने पास क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सिस होता है ना, ये अपना एक्स एक्सिस होता है, ये अपना वाई एक्सिस होता है, ये अपने पास कोई रेखा है, और ये अपना क्या होता है, ये अपना ओरिजिन होता है ना। यहाँ से एक रेखा कोई हमने ये क्या किया, ये पी। पी क्या है, ओरिजिन से लंबिक दूरी है, यानी अपना मूल बिंदु से ये क्या है पी, ये लंबिक दूरी है, ठीक। और इसका निर्देशांक क्या हो गया, एक्स एच का समीकरण वाई बराबर जीरो, तो ये हो गया ए कामा जीरो। ये डिस्टेंस अपना हो गया ए, एंड ये डिस्टेंस अपना हो गया बी। तो ये हो गया वाई एच पे क्या होगा, एक्स बराबर जीरो, तो ये जीरो कामा बी हो गया, ठीक। और ये बिंदु कुछ भी हमने नाम दे दिया, ये एक्स वन वाई वन हो गया, या एक्स वाई नाम हमने दे दिया, ठीक। और ये जो कोण बना रहा है, ये कोण अपना कितना हो गया, अल्फा हो गया, ठीक। और इसी के परपेंडिकुलर हमने एक ड्रा कर दिया, ये हमने नाम दे दिया एन, इसका नाम हमने दे दिया एम, ठीक। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, जब ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 अल्फा होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, तो इसका स्लोप कितना होगा, 90 अल्फा होगा ना, यानी कितना होगा, माइनस कॉट अल्फा होगा, होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, टेंजेंट में पढ़ा होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा पी कॉस अल्फा, एंड ये क्या हो जाएगा पी साइन अल्फा। तो अपने पास पॉइंट कितना आ गया, स्लोप का पॉइंट क्या आया, पी कॉस अल्फा कामा पी साइन अल्फा। अब एक बिंदु से जो रेखा होके जाती है उसका समीकरण क्या होता है, वाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अपने पास टू पॉइंट्स यहाँ पे गिवेन है, एक्स वन वाई वन, और यम यहाँ पे आपको गिवेन है माइनस कॉट अल्फा, बस इसमें रख देना है। तो वाई माइनस पी साइन अल्फा बराबर माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स माइनस पी कॉस अल्फा। इसका आप पक्षांतर कर दोगे, तो पक्षांतर करने पे क्या आ जाएगा, एक्स कॉस अल्फा। यह एक स्टेप और मैं बता दूंगा आपको आसानी से, कि ये वाई माइनस पी साइन अल्फा तो रहेगा, माइनस भी रहेगा, काट को आप क्या कर सकते हो, कॉस अपान साइन कर सकते हो ना, कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पी कॉस अल्फा, ये तो रहेगा। इसको इधर भेज दोगे तो ये सब पक्षांतर करने के बाद क्या आएगा आपका, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। ये आपका रेखा का समीकरण आ जाएगा, आपका फाइनली जो रेखा का समीकरण आएगा लंब रूप में, जो रेखा का समीकरण आएगा वो क्या आएगा, एक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, ठीक। फिर से समझाता हूँ, एक रेखा है, ये पी क्या है, मूल बिंदु से लंबिक दूरी है, ठीक। ये डिस्टेंस हमने ए माना, ये डिस्टेंस हमने बी माना, हमको पता है एक्स एच पे वाई जीरो होता है, सो हमने यहाँ वाई जीरो कर दिया, एक्स हमारा ए था, तो ये बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक ए जीरो हो गया, और इस बिंदु का निर्देशांक जीरो कामा बी कैसे हुआ, हमको पता है कि वाई पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है, तो यहाँ पे एक्स जीरो हो गया, एंड वाई तो हमने बी कंसीडर किया था, तो वाई बी हो गया, एक परपेंडिकुलर हमने खींच दिया, तो ये भाई इसका कुछ ना कुछ तो टेंजेंट होगा, स्लोप होगा ना, तो वो टेन एक्सटीरियर एंगल 90 थीटा हो गया, तो टेन 90 थीटा माइनस कॉट थीटा होता है ना, बस इसमें यहाँ हमने रख दिया, पॉइंट अपने पास है, पक्षांतर कर दिया, सब मंगा के अपने पास जो रेखा का समीकरण आया, एक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, ये आ गया, ठीक। अब बात करते हैं अंतःखंड की, यानी इंटरसेप्ट की। जब अंतःखंड दिए हुए हो अपने को, जब अंतःखंड
दिए हों तब रेखा का समीकरण यानी हमने अब तक रेखा का तो बहुत सा केस पढ़ा है ना, अब तक बहुत सा कंडीशन हम सब पढ़ चुके हैं, बट अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर इंटरसेप्ट दिया हो किसी रेखा का अंतःखंड दिया हो तो हम क्या पढ़ेंगे, उस रेखा का समीकरण पढ़ेंगे ना। ये अपना यक्ष अक्ष है, ये कोई रेखा है ठीक, ये अपना ओरिजिन है, ये अंतःखंड है, क्या अंतःखंड है ए, ये अपना अंतःखंड है बी, ये निर्देशांक अभी अभी हमने बताया बी कामा जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि वाई पे क्या होगा एक्स जीरो होगा, सॉरी इस पे क्या होगा ये जीरो कामा बी होगा, एक्स एच का समीकरण वाई बराबर जीरो, ये ए कामा जीरो होगा ठीक। इतना सा हो गया अपने पास, ये यहाँ एक ड्रा कर दिया हमने ऐसे, ये पॉइंट पी हो गया, इसका निर्देशांक एक्स कामा वाई हो गया, एक यहाँ खींच दिया ऐसे, एक यहाँ खींच दिया ऐसे, ये डिस्टेंस अपनी कितनी थी x थी, ये डिस्टेंस अपनी कितनी थी y थी, भाई ये अपना x अच्छे ना, तो ये x मानने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, ये डिस्टेंस अपनी y है ना, तो y मानने में कुछ नहीं जा रहा है, ये हमने नाम रख दिया m, ये नाम हमने रख दिया n ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम हमने रख दिया a, इसका नाम हमने रख दिया b ठीक। अब हमको क्या फाइंड करना है कि जब अंतःखंड दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में रेखा का समीकरण क्या होगा ठीक। तो हम बात करते हैं इस बड़े वाले त्रिभुज में यानी ए ओ बी में, यानी त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में बात करते हैं। तो बताओ कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है यानी ए ओ बी, ये जो एकदम बड़ा वाला त्रिभुज एकदम बड़ा, ए ओ बी किसके बराबर होगा, इन दोनों त्रिभुज के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी त्रिभुज ओ पी बी प्लस त्रिभुज ए एम पी इसके बराबर होगा ठीक, इसी के तो बराबर होगा। अब इसका एरिया देखते हैं, हाफ बी एच होता है ना, यानी एक बटा दो गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई, तो एक बटा दो, बेस कितना है इसका, बेस कितना है ए इंटू, हाइट कितनी है इसकी बी बराबर, इसमें जा इसमें किस में ओ पी बी में, तो ओ पी बी, ओ पी बी में जाओ एक बटे दो गुड़े, बेस कितना है इसका, बेस बेस इसमें अपने पास है ए इंटू, हाइट कितनी है वाई प्लस ए एम पी में जाओ, ए एम पी में जाओ ठीक, सॉरी इसमें ये एक्स है ठीक, एक्स है, इसमें जाते हैं ए एम पी में, तो ये कितना है एक बटे दो ठीक, ये कितना है अपने पास बी इंटू, हाइट कितना है अपने पास एक्स ठीक, तो ये यहाँ पे ए रहेगा, ए वाई हो गया और ये अपना क्या हो गया बी एक्स हो गया। अब इन सब में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बटे दो कॉमन दिखाई दे रहा है, एक बटे दो हमने क्या कर दिया कॉमन कर दिया, या ऐसे कर दो एक बटे दो से सब में डिवाइड कर दो, एक बटे दो से सब में डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा ए बी बराबर ए वाई प्लस बी एक्स, यही तो बचेगा। अब क्या कर दो दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दो, इतना काम करने के बाद दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, अब जब ए बी से भाग दे दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये तो कटा एक बचा, यहाँ पे क्या बचा ए से ए कटा तो वाई अपान बी बचा, और यहाँ पे क्या कटा बी से बी कटा तो एक्स अपान ए बचा, तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या आ गया एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू वन, यानी अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, यानी जब अंतःखंड दिए हुए हो उस कंडीशन में रेखा का समीकरण क्या होता है x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। कैसे आया मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है वो इन दो छोटे त्रिभुज के सम के बराबर होगा, हमने क्या किया एरिया फाइंड किया दोनों का,
उसके बाद एरिया फाइंड करने के बाद क्या किया, एक बटे दो एक बटे दो एक बटे दो यहाँ भी दिख रहा था, एक बटे दो सब से डिवाइड कर दिया, एक बटे दो हट गया। अब क्योंकि यहाँ हमको क्या चाहिए था, बाएं पक्ष में हमको वन चाहिए था, तो ए बी से हमने क्या किया, सब में डिवाइड कर दिया, तो अपने पास रेखा का समीकरण क्या आ गया, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर वन। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसे आता है, ये तो डेरिवेशन था मैंने बता दिया, इस पे क्वेश्चन देखो कितना आसान सा आता है, इस पे क्वेश्चन देखो कैसे आता है, 4x, इस पे क्वेश्चन आता है 4x प्लस 5y इक्वल टू 20, तो इस रेखा का अंतःखंड ज्ञात कीजिए। एक रेखा आपके पास है 4x प्लस 5y इक्वल टू 20, तो इस रेखा का आपको अंतःखंड ज्ञात करना है। ठीक, अंतःखंड यानी a और b ज्ञात करना है आपको। तो मैंने क्या बताया था कि एक पक्ष आपको 1 करना है, तो 1 कैसे होगा भाई, इसको तो तुम 1 कर नहीं सकते, इसको 1 अभी कर नहीं सकते, तो सबसे आसान 1 तो हो ही सकता है, 4x से भाग दोगे, बट इसमें 4x से भाग देने पे 1 होगा क्या, ऐसा चीज़ देखो कि एक तरफ 1 बन जाए, अपना काम आसान हो जाए। तो अगर हम 20 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 4x अपान 20 प्लस 5y अपान 20 इज इक्वल टू 20 अपान 20, तो ये तो अपना 1 हो गया, ये तो 1 अपना हो गया, काम बन गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x अपान 5 प्लस y अपान 4 इक्वल टू 1। इतना काम करने के बाद अब इस रेखा को क्या करना है, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, इस रेखा से क्या कर देना है भैया, कंपेयर कर देना है बस। इस रूप में पहले इस रेखा को बनाओ, बना बनाया नहीं दिया जाएगा आपको, रेखा आपको जो दी जाएगी वो इस फॉर्म में दी जाएगी, इस फॉर्म में ax प्लस py प्लस c बराबर 0, जो रेखा आपको दी जाएगी इस फॉर्म में दी जाएगी, उसको आप इस फॉर्म में बनाओ, इस फॉर्म में बनाने के बाद आप उसको उसके मानक रूप से कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ साफ साफ दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो a का मान है वो 5 है और जो b का मान है वो 4 है। a क्या है, x अक्ष पे कटा अंतःखंड, x अक्ष पर अंतःखंड, और b क्या है, y अक्ष पर अंतःखंड, बस ये अपना आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बाकी जो अभी इसके पहले मैंने बताया वो क्या था, वो डेरिवेशन था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे दिया रहेगा, उसको अपन को क्या करना है, कोई एक पक्ष वन बनाना है, वन तभी बनेगा जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा, यानी जिसमें वेरिएबल ना हो, एक्स वाई जिसमें ना हो, तो इसमें एक्स वाई नहीं था, हमने क्या किया 20 से दोनों तरफ भाग दे दिया, मानक रूप में अपने आ गया, उसके बाद इसे कंपेयर करा दिया, ए और बी का मान अपने को पता पड़ गया, वही ए और बी क्या है, एक्स और वाई एच पे अंतःखंड है। ठीक, अब देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया टॉपिक आ गया, क्योंकि अब तक तो हमने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बताया था कि नहीं बताया था, अपने पास कोई भी दो बिंदु होता था, एक होता था x1 y1, एक होता था x2 y2, होता था कि नहीं होता था, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे फाइंड आउट करते थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी की सूत्र थी। ठीक, ये जो था, अपने पास कोई भी दो बिंदु है a और b, जिसका निर्देशांक x1 y1 है, b का निर्देशांक x2 y2 है, तो इसके बीच की दूरी क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर का सम, उसका अंडर रूट अपने को फाइंड पड़ गया ना। अब क्या है, यहाँ पे बिंदु नहीं है, यहाँ पे अपने पास दो रेखा है। ठीक, तो अब हम ये पढ़ते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, अब यहाँ पे हमको पढ़ना है दो रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक, तो ये अपना कोऑर्डिनेट है। ठीक, ये अपने पास क्या है कि कोई भी ये एक रेखा है ऐसा,
ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है ना डी, ये अपन को फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट पी है, इसका निर्देशांक एक्स वन वाई वन है या एक्स वाई समझो, जो भी समझो, ये डी हमको फाइंड आउट करना है। ये एम एन ऐसा समझो, ये अपना ओरिजिन है, ये अपना वाई एच है, ये अपना एक्स एच है, ठीक। ये डी हमको पता करना है, ये डी। वैसे तो ये डी का सूत्र मैं बता दूँ आपको, ये होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बस सूत्र में याद रखो कि जब भी आपको पॉइंट गिवेन हो एक्स वन वाई वन, तो आप क्या करो, पॉइंट एक्स वन वाई वन गिवेन हो तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, तो आप क्या करो, कोई भी दो रेखा आपको गिवेन होगी, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये सूत्र आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, कोई भी दो रेखा आपके पास है, मान लो एक रेखा है ए एक्स वन, दूसरे उसके बाद बी वाई वन प्लस सी बराबर जीरो, दूसरी रेखा क्या है ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू बराबर जीरो। तो इन दो रेखाओं के बीच की दूरी हमें कैसे पता पड़ेगी, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक। इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें हमेशा क्या करते हैं हम कि जो अपना ओरिजिन होता है, यानी जिसको हिंदी में हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक जीरो कामा जीरो होता है, उससे हम उसका निर्देशांक इसमें सेटिस्फाई करा के दूरी निकालते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं पी वन से, यानी मूल बिंदु से क्या करते हैं इसकी लांबी दूरी, दूरी यानी पी वन इसको फाइंड आउट कराते हैं। वो कैसे निकलेगा, वो आता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या करना है, एक्स वन वाई वन तो आपका जीरो जीरो हमेशा होगा, दुनिया का कोई भी रेखा हो एक्स वन वाई वन आपका जीरो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि आप उसको मूल बिंदु से कंपेयर करा रहे हो, तो आपको उस रेखा में एक्स वन वाई वन जहाँ जहाँ दिखेगा आपको जीरो जीरो उसमें रख देना है, तो आपका पी वन आ गया। इसी तरीके से आपको दूसरे रेखा में क्या करना है, उसमें भी मूल बिंदु यानी जीरो जीरो से लंबी दूरी फाइंड आउट करनी है, उसको आप डिनोट कर दोगे पी टू से, उसमें भी क्या हो जाएगा, वो ए टू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका अभी बीच की दूरी नहीं आई है, यहाँ से अभी आपकी लंबी दूरी आई है, या जिसको कह सकते हो लंबवत दूरी आई है, यहाँ से आपका पी वन एंड पी टू आ गया, पी वन एंड पी टू आ गया। अब क्या करोगे कि बीच की दूरी, अब बीच की दूरी क्या थी अपने पास, अब बीच की दूरी क्या करोगे, ये जो लंबवत दूरी अपने पास आई है ना पी वन एंड पी टू, इसी का सम कर दोगे, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस बीच की दूरी में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी का सम कर देना है, वही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बता दूं, आपका डाउट जो है एकदम दूर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, ठीक, एक रेखा है अपने पास 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 के बीच की दूरी, ये क्या करनी है आपको, फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट रेखा की मूल बिंदु से क्या करोगे, आप लंबवत दूरी फाइंड आउट करोगे, उसको आप डिनोट करोगे किससे, पी वन से। वो क्या हो जाएगा, ए एक्स वन बी वाई वन सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे, थ्री। एक्स वन कितना है अपने पास, मूल बिंदु यानी जीरो कामा जीरो, तो यही अपना एक्स वन एंड वाई वन हो गया। तो एक्स वन वाई वन भैया ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, इसका काम है खत्म हो गया। अभी अपने पास क्या बचा, सी बचा, सी अपने पास कितना है, माइनस फाइव। तो ये अपने पास माइनस फाइव अपान अंडर रूट ए कितना है, थ्री, थ्री का स्क्वायर यानी नाइन और फोर का स्क्वायर यानी सिक्सटीन, यानी ये 25 हो गया, 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5 अपान 5, यानी ये कितना हो गया, माइनस वन, यानी जो पी वन आया वो अपने पास कितना आया, माइनस वन आया, ठीक। इसी तरीके से क्या करेंगे,
सेकंड रेखा की 0.0 से, दुनिया का कोई भी रेखा हो ना हमेशा उसकी लंबवत दूरी कहाँ से देखेंगे, 0.0 से। तो सेकंड रेखा की 0.0 से क्या देखेंगे, लंबवत दूरी, यानी इसको डिनोट करेंगे किससे, P2 से। वो क्या हो जाएगा, AX2 प्लस BY2 प्लस C अपान अंडर रूट A² प्लस B², कुछ नहीं करना है। ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ कितना आया -7, और ये तो रूट में करोगे तो 5 आ जाएगा, यानी P2 कितना आया अपने पास, -7/5। अब हमको बीच की दूरी चाहिए, हमको क्या चाहिए, बीच की दूरी। तो हमने क्या कहा था कि P1 एंड P2 को ऐड कर दो, तो P1 अपने पास कितना आया था, -1, और ये कितना आया, -7/5। ये कितना हो गया, -5 -7/5, तो ये हो गया -25 -7/5। इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा बीच की दूरी आ गया, ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप क्या करो ना, अभ्यास करो, एक्सरसाइज करो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे होते हैं ना मैथ से बहुत घबराते हैं, अरे यार मैथ इतना टफ है, यकीन मानो ना आप, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा मोटिवेट करूंगा आपको। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं, डेरिवेशन तो मैक्सिमम सब खत्म ही हो चुका है, बस क्वेश्चन आपका कराना है जो भी है, इन सब डेरिवेशन पे क्वेश्चन मैं एक दो वीडियो में आपको करा दूंगा, बस ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर आपका। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।